मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काजल सतवारा। आज मैं आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट से पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसके हमने दो टॉपिक पहले कवर कर लिए हैं आगे के लेक्चर में, और आज दूसरे दो टॉपिक हम सीखने वाले हैं। तो वो दो टॉपिक के नाम क्या है? फर्स्ट टॉपिक का नाम है सेल क्लस्टर एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट, और अनदर जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंट मोड्स यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक का हम लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम व्हाट इज सेल, व्हाट इज क्लस्टर एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन, वो हम देखेंगे। और अनदर टॉपिक जो है हमारा डिफरेंट मोड्स यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक जियोग्राफिक यूनिट ऑफ द सेल्युलर कम्युनिकेशन सिस्टम। मीन्स कि मोबाइल फोन और मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर जो बेसिक जियोग्राफिक यूनिट यूज होता है उसको हम सेल बोलते हैं। इन सेल्युलर नेटवर्क टोटल एरिया इज सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एरियाज एज कॉल्ड सेल्स। इसमें ये दिखाया गया है कि जो एक बड़ा एरिया होता है सेलुलर नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके जो एक पोर्शन होता है, एक पार्ट सिंपल होता है, सिंगल एक पार्ट, उसको हम सेल बोलते हैं। एक बड़ी सी स्पेस होती है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको यूज़ करते हैं, तो वो जो सिंगल सिंगल पार्ट होता है उसको हम सेल बोल सकते हैं, ठीक है। ईच सेल कैन रिकवर अ लिमिटेड नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स विद इन इट्स बाउंड्रीज। इसका मीनिंग ये है कि हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो मोबाइल के सब्सक्राइबर हुए हम, उसकी एक लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया होगी, मीन्स की बाउंड्री होगी, उसको यूज़ करने के लिए हमें पर्टिकुलर सेल दिया गया होगा, ऑक्यूपाई किया गया होगा, इसको हम सेल बोलते हैं। ईच सेल हैव अ बेस स्टेशन विद अ नंबर ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल्स। मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग बेस स्टेशंस यूज होते हैं, तो उसके अंदर जो बेस स्टेशन है उसमें पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल्स होती है जो पर्टिकुलर सेल को दी गई होती है, और वही रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके सेल हम मोबाइल सब्सक्राइबर जो यूज़र्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं सेल को। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसीज यूज्ड इन अ गिवन सेल एरिया विल बी साइमल्टेनियसली री यूज्ड एट अ डिफरेंट सेल विच इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड। इसका मीनिंग ये है कि नेटवर्क के अंदर हमें जो जो सेल प्रोवाइड किए गए हैं और उसका जो जियोग्राफिकल एरिया दिया गया है, पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइड की गई है, उसको हम उस लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, और वो अलग अलग सेल का अलग अलग सेपरेटेड जियोग्राफिकल नेटवर्क होता है। अ टिपिकल सेवन सेल पैटर्न कैन बी कंसिडर्ड। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक सेल होता है उसको हम सेवन सेल का एक ग्रुप बना के यूज़ कर सकते हैं, और ये जो डायग्राम आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक पर्टिकुलर सेल है। ये एक सेल है और ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, समझ में आया सबको?
नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज क्लस्टर, तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर अरेंज, मीन्स कि बहुत सारे सेल्स को अरेंज करके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। एक क्लस्टर के अंदर मोस्टली 7 सेल अरेंज होते हैं। इसका डायग्राम मैं अभी आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। अभी द ग्रुप ऑफ सेल्स वेयर द अवेलेबल फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज टोटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो सब सेल को अलग अलग डिवाइड की गई होती है और वो सेल मोबाइल सब्सक्राइबर यूज़ कर सकता है, और जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम क्लस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अ क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच ऑल अवेलेबल फ्रिक्वेंसीज हैव बीन यूज्ड वंस एंड ओनली वंस। इसका मीनिंग ये है कि हमें अलग अलग सेल को अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, तो हम एक फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं और अनदर यूज़र दूसरी फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, तो वो फ्रिक्वेंसी जब हम यूज़ करते हैं तब वो ऑक्यूपाइड होती है और अलोकेटेड होती है पर्टिकुलर यूज़र को, और जो पर्टिकुलर यूज़र वो फ्रिक्वेंसी को जब यूज़ करना बंद करता है, एक सेल की फ्रिक्वेंसी जब यूज़ होनी बंद होती है, तो कोई अनदर यूज़र ऐसा होगा कि जिसको अभी नेटवर्क में आना है और उसको वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो डायरेक्टली क्लस्टर के अंदर से वो सेल अपनी फ्रीक्वेंसी किसी और यूज़र को ऑक्यूपाई करेगा। इसका मीनिंग ये है कि एट अ टाइम वन यूज़र ही जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसे ऑक्यूपाई की गई है वो यूज़ कर सकता है। Since the same frequencies can be used neighboring clusters, interference may become a problem. Means कि हम जो frequencies use करते हैं, यानी एक cluster है, तो वो cluster, ये एक cluster का diagram है, इससे आपको easily समझ में आ जाएगा। ये एक cell है 1, ये cell 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो ये एक पूरा सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे अलग अलग सेल हैं, तो इसको हम सेल बोलते हैं। और जो ये पूरा डायग्राम बना है, टोटल नंबर ऑफ 7 सेल को बना के मिलाकर उसको हम क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूरा क्लस्टर किसी को ऑक्यूपाई किया गया है अलग अलग यूजर्स को, तो वो यूज़र्स यूज़र वन सेल वन को यूज़ करता है, यूज़र टू सेल टू को, यूज़र थ्री सेल थ्री को, ऐसे सब लोग अलग अलग यूज़र्स अलग अलग सेल को यूज़ करते हैं। मानो कि अभी सेल वन का जो यूज़र है वो अभी अपनी फ्रिक्वेंसी छोड़कर अपना मोबाइल नेटवर्क बंद करता है, तो उसे कोई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेल थ्री हो गया। और अभी अनदर यूज़र आया सेल एट, तो अभी सेल एट तो अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, ये सेल वन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूज़र वन की जगह यूज़र एट आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि एक सेल पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहा है और वो यूज़र यूज़ करने के बाद जब अपनी फ्रिक्वेंसी को क्लोज करता है, यानी कि अपने नेटवर्क को कंप्लीट करके बंद कर देता है, तब अनदर यूज़र आएगा और वो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करेगा। तो एक टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, ये समझाया गया है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसीज विद इन अ गिवन एरिया दैट आर सेपरेटेड बाय कंसिडरेबल डिस्टेंस विद मिनिमल इंटरफेरेंस टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। तो इसमें हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी रीयूज, ये नाम से आपको पता चलेगा कि जो फ्रीक्वेंसी एक बार किसी यूज़र ने यूज़ की हुई है वो हमें दोबारा यूज़ करनी है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का मीनिंग ये है कि एक बार एक यूज़र वन ने, लाइक यूज़र वन है, तो
वो यूज़र वन अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके छोड़ के दूसरी फ्रीक्वेंसी को लेता है यूज़ करने के लिए। तब जो आगे की फ्रीक्वेंसी थी वो ब्लैंक हो गई। तो इस टाइम पे ऐसा होगा कि अनदर यूज़र आके ये फ्रीक्वेंसी को रीयूज़ करेगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज़। तो यही समझाया गया है कि मिनिमम टाइम में मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ हो और अनदर यूज़र्स उसको रीयूज़ कर सके। ये फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ फिक्स होता है और उसका जो कंसिडरेबल डिस्टेंस होता है, मीन्स कि जो भी एक हम हैं तो हमें हमारे लिए एक पर्टिकुलर एरिया है। अगर हम अहमदाबाद में रहते हैं तो हमें उनका सब एरिया पता होगा, तो हम वहाँ तक का कोई भी हमें डिटेल्स पूछेगा तो हमें पता रहेगा कि हम बता सकेंगे। और हमें ये बताने के लिए कि गांधीनगर में क्या है, कहाँ पर है, ये हमें पता नहीं है तो हम बता सकेंगे नहीं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम जानते हैं कि कहाँ तक, एक एरिया का जो लोकेशन होता है वहाँ का हम पता होता है तो किसी को बताते हैं, अगर नहीं पता होता है तो वो दूसरे डिस्टेंस पे जाके किसी और से पूछता है। इसमें समझना है कि हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही कुछ पता होता है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी में पर्टिकुलर एरिया फिक्स होता है, वहाँ तक ही ये फ्रीक्वेंसी पहुँचती है और वहाँ तक यूज़ होती है, उसका एक पर्टिकुलर बेस स्टेशन होता है। अभी नेक्स्ट में है अलाउज कम्युनिकेशंस विदिन सेल ऑन अ गिवन फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सेल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसकी दी गई हुई फ्रीक्वेंसी की लिमिट से। रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन नियर बाय सेल्स। जो हमारे नियर बाय सेल है, यानी कि जो सेल अटैच है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी रीयूज करेंगे। यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी फॉर मल्टीपल कन्वर्जेशन। एक ही फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीपल कन्वर्जेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि यूज़र वन किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कन्वर्जेशन कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी यूज्ड है, अभी अलोकेटेड है यूज़र वन को। और यूज़र एट को अभी चाहिए कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी चाहिए है, तो वो अभी नेटवर्क ऑन करेगा, वो कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा। जब फ्रीक्वेंसी फ्री होगी तब वो उसको अलोकेट की जाएगी, तब यूज़र एट जो फ्री फ्रीक्वेंसी होगी उसको यूज़ कर सकेगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड्स यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से अलग अलग मोड्स से हम यूजफुल कर सकते हैं। अभी फर्स्ट है कि वॉट इज ट्रांसमिशन मोड और मोड्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड और मोड्स फॉर मोबाइल। तो इसमें ये बताया गया है कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो मोड यूज होता है अलग अलग डिवाइस में, उसको हम ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। अलग अलग डिवाइस का अलग अलग मोड होता है। द ट्रांसमिशन मोड इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मोड। मैंने अभी जैसे बताया कि मोड्स फॉर मोबाइल और ट्रांसमिशन मोड और कम्युनिकेशन मोड तीनों सेम ही चीज़ है। यानी एग्ज़ाम में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड्स यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। अभी नेक्स्ट में है द ट्रांसमिशन मोड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। अभी यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, उसमें दिखाया गया है कि एक ट्रांसमिशन मोड है, उसके तीन डिवाइड कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है सिंप्लेक्स मोड, सेकेंड कैटेगरी है हाफ डुप्लेक्स मोड एंड थर्ड कैटेगरी है फुल डुप्लेक्स मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सिंप्लेक्स मोड।
सिंप्लेक्स मोड यानी द ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स सिस्टम। तो हमें इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि सिंप्लेक्स सिस्टम यानी कि सिंप्लेक्स मोड जब यूज़ होता है तब ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक ही डायरेक्शन में जाता है। मीन्स कि हमें किसी हम सेंडर है तो हमें किसी को डेटा सेंड करना है तो हम सिर्फ डेटा सेंड ही कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन। अ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल रिक्वायर्स टू सिंप्लेक्स चैनल्स ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। अगर हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करना होता है तब सिंप्लेक्स के दो चैनल लगाने पड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एट अ सेम टाइम पे। ये हमें बताया गया है। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मीन्स कि वन डायरेक्शन में ही ये वर्क करता है। अगर डेटा हम सेंड कर सकते हैं तो सिर्फ हम उस डेटा को सेंड ही कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। अगर हम डेटा को रिसीव करते हैं तो ओनली एंड ओनली रिसीव ही कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन। अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट नॉट रिसीव इट, और इट कैन रिसीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा। मैंने जैसे बताया कि अगर हम डेटा सेंड कर सकते हैं तो ओनली एंड ओनली सेंड ही कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। और अगर हम जब डेटा रिसीव करते हैं तो डेटा को हम सेंड नहीं कर सकते। कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंप्लेक्स मोड, एज अ कीबोर्ड कैन ओनली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड मॉनिटर कैन ओनली बी यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन। मीन्स कीबोर्ड से हम डेटा इनपुट ही कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते नहीं। तो आउटपुट अगर हमें चाहिए स्क्रीन पे तो उसके लिए हम मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेडियो। तो रेडियो में जब कोई चैनल चलती होती है तो उसमें सिर्फ हमें सुनाई देता है, हम सामने से आंसर करेंगे फिर भी उसको सुनाई देगा नहीं, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। सिंप्लेक्स में अभी तक जो आपको बोल रही थी उसमें शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हो कि ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, मीन्स कि डेटा सेंड होता है तो ओनली सेंड एंड सेंड ही होता है, रिसीव करते हैं तो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, इसमें है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये जो एरो दिखाया गया है ये लाइक यूज़र वन है, यूज़र टू है, तो इसमें से यूज़र वन ओनली डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में है द ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बोथ डायरेक्शन बट यूजर डज नॉट रिसीव सिग्नल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स और सेमी डुप्लेक्स सिस्टम। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें डेटा सेंड करना है और रिसीव दोनों ही करना है तो एट अ सेम टाइम पे एक यूज़र वो डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकता है। अगर मैंने यूज़र वन होके किसी यूज़र टू को डेटा सेंड किया तो यूज़र टू अपने डेटा को रिसीव तब ही कर पाएगा जब मेरा डेटा सेंड हो जाएगा और मेरी सिस्टम क्लोज हो जाएगी, तब सामने वाला यूज़र अपनी सिस्टम में अपना डेटा देख सकेगा और रिसीव कर सकेगा। और हाफ डुप्लेक्स को सेमी डुप्लेक्स सिस्टम भी कहा जाता है। इन अ हाफ डुप्लेक्स चैनल डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एज वेल। इसका मीनिंग ये है कि हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मैसेजेस फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। मैंने जैसे बताया कि यूज़र वन अपना डेटा जब सेंड करके ख़त्म करेगा अपनी प्रोसेस
तभी सामने वाला रिसीवर यूजर टू अपने डेटा को रिसीव कर सकेगा, बिकॉज ऑफ सेम टाइम पे ये वर्क नहीं करता है. द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज यूटिलाइज इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. इसका मीनिंग ये है कि हम एक चैनल पे एक टाइम पे डेटा सेंड कर सकते हैं और दूसरे टाइम पे डेटा को रिसीव कर सकते हैं. एट अ टाइम सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन हो सकता है. अ वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स मोड. इसका मीनिंग ये है कि जो ये एग्जाम्पल दिया गया है वॉकी टॉकी, आपने नाम सुना होगा कि वॉकी टॉकी है, तो उसमें जब कोई डेटा सेंड करता है तो वो बोलता है और सामने सेंडर को, सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव करना है, तो सेंडर ने जब सेंड करके कंप्लीट किया तभी रिसीवर अपने डेटा रिसीव कर सकेगा. अगर सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव करने की ट्राई कर रहा है तो वो नहीं होगा सेम टाइम पे. वॉकी टॉकी में ऐसा होता है कि पहले सामने वाले बोलते हैं और दूसरे यूज़र टू होते हैं वो सुनते हैं, और फिर यूज़र टू जब स्पीकिंग करता है तब यूज़र वन सुनता है. ये हाफ डुप्लेक्स का डायग्राम है. इसमें दिखाया गया है कि एक यूज़र वन और यूज़र टू. यूज़र वन ने डेटा को सेंड किया और उसके बाद इसको डेटा मिल गया, और यूज़र टू को कुछ आंसर देना है तो यूज़र टू ने फिर आंसर किया यूज़र वन को. तब यूज़र टू के पास आंसर, यूज़र वन के पास आंसर पहुंचा और यूज़र वन ने देखा. फिर से उसको कुछ डाउट है तो उसने कुछ पूछा और उसने डेटा को सेंड किया. फिर से इसने आंसर करके इसको डेटा वापस दिया. यही दिखाया गया है कि सेम टाइम पे डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं हुआ है. नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स इज द ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स सिस्टम. फुल डुप्लेक्स ऐसा सिस्टम आया है कि जिसके अंदर हम डेटा एक टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं, वही टाइम पे हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं. तो इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल. मीन्स कि एक यूज़र डेटा को सेंड करता है, तुरंत ही वो देखता है और तुरंत ही रिप्लाई करता है. इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल. द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन. Both the stations can send and receive the message simultaneously. एक डेटा जैसे ही भेजता है सेंडर रिसीवर को, तब रिसीवर खुद सामने से तुरंत ही रिप्लाई करता है तो डेटा पहुंच जाता है. फुल डुप्लेक्स मोड हैज़ टू सिंप्लेक्स चैनल्स. वन चैनल हैज ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अनदर चैनल हैज ट्रैफिक फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर सिंप्लेक्स के दो चैनल्स लगाए गए हैं. वन चैनल है वो ट्रैफिक को मूव करता है एक डायरेक्शन में, और अनदर चैनल है वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्लो करके जाने देता है. द फुल डुप्लेक्स मोड इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस. तो फुल डुप्लेक्स मोड इज़ द फास्टेस्ट मोड. यानी हम अभी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या फिर फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो अभी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है डिवाइस के अंदर. उसके अंदर फुल डुप्लेक्स मोड यूज़ किया गया है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फुल डुप्लेक्स मोड इज़ अ टेलीफोन नेटवर्क. टेलीफोन नेटवर्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अभी मैं जो बोल रही थी उसका ये डायग्राम है फुल डुप्लेक्स का. फुल डुप्लेक्स में लिखा है ट्रांसमिशन इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. तो वन यूज़र एक एट अ टाइम सेंड करता है डेटा और रिसीवर डेटा को रिसीव करके तुरंत ही रिप्लाई करता है. तो यूज़र वन एट अ टाइम डेटा सेंड करता है, यूज़र टू उसको रिसीव करके फिर से तुरंत ही रिप्लाई करता है.
थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड अभी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।